आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर को। लास्ट लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर को डिस्कस किया कि वेपर प्रेशर क्या है, एस्केपिंग ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल फ्रॉम द लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या है? बेसिकली वेपर प्रेशर है प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि जब लिक्विड के वेपर है प्रेशर कास्ट करेंगे इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो उस प्रोसेस को हम, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर कहेंगे। तो लेट्स सपोज अगर हम बात करें लिक्विड की, ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो मॉलिक्यूल है और इस लिक्विड को हमने जो है वो प्लेस किया हुआ है एक कंटेनर के अंदर, और ये कंटेनर जो है वो क्या है? क्लोज है। ठीक है, क्लोज कंटेनर है। तो होगा क्या कि इस लिक्विड में से मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ से मॉलिक्यूल जो है वो निकल रहे हैं और ये जो वेपर जो है जाकर इनके ऊपर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एवेपरेशन कहेंगे। कि यहाँ से जो वेपर जो है वो निकल रहे हैं और ये जाकर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल्स का निकलना है फ्रॉम द सर्फेस, इसको हमने क्या कहा था? एवेपरेशन कहा था। तो ये जाकर क्या करेंगे? लिक्विड इस वॉल के ऊपर यहाँ पर ये टकरा रहे हैं, ये क्या करेंगे? प्रेशर को एग्जर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? इनकी एनर्जी जो थी वो ज्यादा थी, तो इसी वजह से इन्होंने इस सरफेस को जो है वो लीव किया था। बट जब ये यहाँ पर जाकर टकराएंगे तो इनकी एनर्जी क्या करेंगे? ये अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे, इनकी एनर्जी में कमी आएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा? ये दोबारा से जो है वो एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब मॉलिक्यूल जो है वो दोबारा से एनर्जी को लॉस करके एक दूसरे के साथ जो है वो बाउंड हो जाएंगे, तो ये दोबारा से सरफेस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन कहेंगे। ठीक है, कि मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर पहले गए, ठीक है, एनर्जी से जाकर ये टकराए, तो इनकी एनर्जी जो है वो इस, जब इन्होंने प्रेशर एग्जर्ट किया तो इनकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो गई टू द वॉल। तो जब ये एनर्जी को लॉस करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ जो है वो दोबारा से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो डेवलप कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के करीब आएंगे और ये दोबारा से सरफेस की तरफ या लिक्विड की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। कि ठीक है, कि जब मॉलिक्यूल जो है वो आप यूं कह लें कि अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे, ठीक है, और दोबारा से क्या करेंगे? लिक्विड की तरफ मूव करेंगे, दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन कहेंगे। सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसको हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन कहेंगे। तो शुरू में क्या होगा? शुरू में ये होगा कि वेपर्स जो है वो बनना शुरू होंगे। ठीक है, तो वेपर्स जब शुरू में क्या होगा? रेट ऑफ वेपरेशन जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, वेपर जो है वो ज्यादा बन रहे होंगे, लेकिन जो जो वक्त गुजरता जाएगा ये मॉलिक्यूल जाकर टकराएंगे, अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे और मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के साथ मिलने शुरू हो जाएंगे, और इसके साथ साथ जो है वो रेट ऑफ वेपरेशन भी, सॉरी कंडेंसेशन भी क्या होता जाएगा? ज्यादा हो जाता होते जाएगा। तो फिर वेपर्स किस में कन्वर्ट होंगे? कंडेंसेशन में। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? कंडेंस होकर जो है वो दोबारा से वेपर्स बना रहे हैं। ठीक है, तो शुरू में क्या है कि रेट ऑफ वेपरेशन ज्यादा है, पर जो जो टाइम गुजरता जाएगा मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे और ये वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन कहेंगे। तो एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि जितने लिक्विड यहाँ से जो है वो लीव कर रहे होंगे, जितने मॉलिक्यूल, और उतने ही मॉलिक्यूल जो है वो दोबारा से बैक होकर लिक्विड की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, या जो है रेट ऑफ वेपरेशन जो है वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, कि मॉलिक्यूल जो है वो लीव भी कर रहे हैं और कंडेंस भी हो रहे हैं। ठीक है, दोबारा वापस भी आ रहे हैं। तो उस पॉइंट के ऊपर जब रेट ऑफ वेपरेशन इक्वल हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन के, उस वक्त जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे वेपर्स, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक है, शुरू में क्या था? वेपर जो है जाकर स्ट्राइक कर रहे थे, उस वक्त हम इसको वेपर प्रेशर नहीं कह सकते क्योंकि इक्विलिब्रियम में नहीं थे।
तो शुरू में क्या है कि रेट ऑफ कंडेंसेशन कम है और रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो ज्यादा है, लेकिन जो जो वक्त गुजरता जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ एवेपोरेशन के। तो उस वक्त जब इन दोनों के दरमियान जो है वो एक तोआज़न या इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस वक्त जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे वेपर, उसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे किसी भी लिक्विड का। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन जो है वो हम इसको ये कह सकते हैं कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, कि उस वक्त जो लिक्विड जो है प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा किस वक्त, जब जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन, उस वक्त हम उसको क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। अब